तो आखिरकार बीमा भारती को फायदा मिली गया। बीमा भारती लालू प्रसाद यादव के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि रुपौली विधानसभा सीट से चुनाव तो हम ही लड़ेंगे। ये वही बीमा भारती हैं जो पहले जदयू से विधायक रह चुकी हैं। रुपौली विधानसभा क्षेत्र की विधायक बीमा भारती ने इस्तीफा दिया और शामिल हो गई राजद में। उसके बाद राजद से इन्हें लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से टिकट दिया जाता है। हालांकि अफसोस कि बीमा भारती हार जाती हैं और उसके बाद अब जागरी है लालू प्रसाद यादव के चरणों में और कहती हैं कि लालू जी आप हमें ही मौका दीजिए, हमें ही इस बार टिकट दीजिए। आपको बताते चले कि बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, 10 जुलाई को वोटिंग होनी है, 21 जून आखिरी तारीख है नामांकन का। ऐसे में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही जैसे ही बीमा भारती को 4 जून का परिणाम देखने को मिलता है जहां पूर्णिया में वो हार जाती है, उसके बाद अब वो तैयारी में लग चुकी है विधानसभा उपचुनाव को लेकर। और इसी बीच अब ये खबर चल रही थी कि इस बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का मन बदल रहा है और टिकट वो किसी और को देने जा रहे हैं। ये बात जैसे ही रुपौली से विधायक रह चुकी बीमा भारती को मालूम चलती है, बीमा भारती दौरे दौरे लालू और राबड़ी की आवाज पहुंचती है और राबड़ी आवाज पहुंचते ही लालू प्रसाद यादव के चरणों में जा गिरती है। स्क्रीन पर चल रहे तस्वीर को आप देखिए, कैसे लालू प्रसाद यादव के चरणों में बैठी हुई है बीमा भारती। और उसके बाद अब ये साफ हो गया है कि रुपौली में उपचुनाव जो होने जा रहे हैं विधानसभा के, ऐसे में बीमा भारती का टिकट तो यहां से पक्का हो गया है। बीमा भारती को ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव टिकट देने वाले हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह तस्वीर सामने आई थी जब बीमा भारती लालू राबड़ी आवाज जाती है, वहां से बाहर निकलती है और मीडिया के सामने ये ऐलान कर देती हैं कि चुनाव तो हम ही लड़ेंगे, रुपौली में उपचुनाव होना है। ऐसे में अब वहां पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार राजद से किसी और को वहां टिकट दिया जाएगा, क्योंकि राजद ने बीमा भारती पर विश्वास किया था लोकसभा चुनाव में, जहां पर बीमा भारती हार जाती है और उसके बाद एक तरफ जहां बीमा भारती को ये डर था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, रुपौली से वो विधायक रह चुके हैं लेकिन वो विधायक तब थी जब वो जदयू के टिकट पर वहां चुनाव लड़ी थी। जदयू से विधायक की पद का इस्तीफा बीमा भारती देती हैं और शामिल हो जाती हैं राजद में। राजद में आती हैं, राजद उन्हें टिकट देती है और पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं, जहां पप्पू यादव जीत जाते हैं, बीमा भारती हार जाती हैं। और अब बारी है विधानसभा उपचुनाव को लेकर, तो उसमें अब बीमा भारती लालू प्रसाद यादव का पैर पकड़ चुकी है कि हमको ही टिकट दीजिए। और अब ये तस्वीर बता रही है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ बीमा भारती लालू राबड़ी आवाज से बाहर निकलकर ये कहते सुनाई दी थी कि चुनाव तो वही लड़ेंगी, वही चुनावी मैदान में उतरेंगी, ऐसे में उसके पीछे जो वजह थी वो ये तस्वीर बयां कर रही है, कैसे लालू प्रसाद यादव के चरणों में बीमा भारती बैठी हुई हैं और पैर पकड़कर वो टिकट का भीख मांग रही हैं। ऐसे में अब उनका टिकट तो फाइनल हो गया है, मगर देखना होगा कि जिस तरीके से बीमा भारती ये कहते सुनाई दी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा फर्क होता है, ऐसे में अब जनता ये समझ पाती है या नहीं। और अगर बीमा भारती को टिकट मिल जाता है तो इस बार राजद का विश्वास बीमा भारती जीत पाती हैं या नहीं। फिलहाल ये तस्वीर सामने आई तो हमने सोचा आपको बताया जाए और ये भी बताया जाए कि किस कारणवश बीमा भारती लालू राबड़ी आवाज से बाहर निकलते ही ये आराम कर देती हैं कि वही चुनाव लड़ने जा रही हैं, कोई और रुपौली विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा। बाकी रुपौली में उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर 10 जुलाई को वोटिंग होनी है और उसके बाद ही साफ होगा कि कौन जीतता है और कौन इस बार भी हार जाता है। कोई नई तस्वीर सामने आती है तो उस रिपोर्ट को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।